नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रमिक कार्ड के बारे में। यहां पर ई श्रमिक कार्ड में किस तरीके से आपको करेक्शन यानी कि एडिट करना है, पूरी डिटेल्स जो भी आप सुधारना चाहते हो, फिर चाहे वो मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस या फिर बैंक की डिटेल्स हो, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप करेक्शन कर सकोगे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से खुद से ही। यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो देखिए आपको समझना जरूरी है कि ई श्रमिक कार्ड है क्या। देखिए यहां पर जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में यहां पर 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। मजदूर से मेरा मतलब यह है कि टोटल मजदूर को मजदूर नहीं माना जाता है। यहाँ पर मान लीजिए आप कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करते हो जिसकी इनकम सालाना 50,000 या फिर 1 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पर आप असंगठित मजदूर में आ जाते हो। और असंगठित मजदूर बाड़ा ही माली या फिर छोटा मोटा कारीगर या फिर किसी भी तरह का सब्जी फल विक्रेता, यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर असंगठित मजदूर की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर अगर आपने अपना सेंट्रल द्वारा अभी जो हाल ही के दिनों में योजना चलाई गई सेंट्रल द्वारा ई श्रमिक कार्ड की अगर आपने बनवा रखा है और उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक है, आप अपना कार्य बदलवाना चाहते हो या फिर कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हो, तो यहां पर किस तरीके से आपको एडिट करना है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर सिंपली सर्च कर देना है ई श्रमिक कार्ड। जैसे ही यहां पर आप ई श्रमिक कार्ड लिखकर सर्च करोगे तो यहां पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी ई श्रमिक.gov.in। तो यहां पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता कि अगर आप ई श्रमिक कार्ड के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो आपको मुझे कमेंट द्वारा बताना होगा, तभी मैं इस ई श्रमिक कार्ड के बारे में एक टोटल वीडियो बनाकर डालूंगा जिसमें मैं आपको ई श्रमिक कार्ड के फायदे और नुकसान और एक कौन कौन बनवा सकता है और एक किस तरीके का श्रमिक कार्ड होता है, यहां पर मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो उस वीडियो में। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको एडिट करने की डिटेल्स बता देता हूं किस तरीके से यहां पर आपको अगर आपने श्रमिक कार्ड बनवा रखा तो किस तरीके से यहां पर करेक्शन करना है। सबसे पहले तो यहां पर देखिए रजिस्टर्ड ऑन ई श्रमिक का ऑप्शन लिखा हुआ है, जहां पर मैं माउस का कर्सर है सिंपली क्लिक कर दीजिएगा तो यहां पर एक नया टैब खुलकर सामने आ जाएगा। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके की डिटेल्स रहेगी। अगर आपके पास सीएससी पोर्टल है तो सीएससी पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली आपका जो भी मोबाइल नंबर ई श्रमिक कार्ड पर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहां पर टाइप कीजिए और यहां पर आपको कैप्चर फिल करना है। इसके बाद यहां पर सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपने जो मोबाइल नंबर यहां पर टाइप किया उस पर एक छोटा सा ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करने के बाद यहां पर देखिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा, सिंपली यहां पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और यहां पर राइट टिक करना है और यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहां पर जैसे कि मेरा पहले से श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो यहां पर देखिए जैसे मैंने अपना आधार नंबर डाला तो यहां पर लिखा आने लगा दिस आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहां पर मेरा आधार कार्ड तो बना हुआ है इसीलिए यहां पर आगे की प्रोसेस यहां पर शो नहीं कर रही। यहां पर सिंपली देखिए ये जो रेड लाइन यहां पर शो कर रही है उसी के लास्ट में यहां पर आपको क्लिक हेयर लिखा दिख रहा होगा ब्लू कलर से, तो यहां पर सिंपली आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है और दोबारा से यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी रजिस्टर्ड है और यहां पर कैप्चर डाल देना है। इसके बाद यहां पर सेंड ओटीपी बटन पर दोबारा से क्लिक करना है तो दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिस ओटीपी को आपको टाइप कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोबारा से आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद देखिए अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो अच्छी बात है, तो आप फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से लॉग इन कर सकते हो कैप्चर लेने के बाद। इसके बाद अगर आपके पास ओटीपी है तो ओटीपी मतलब कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहां पर आप ओटीपी लेने के बाद भी लॉग इन कर सकते हो। तो सिंपली यहां पर कैप्चर डाली और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, ओटीपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। यहां पर देखिए जैसे कि आपके आधार कार्ड पर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहां पर ओटीपी आ चुका है। अब मैं यहां पर ओटीपी सिंपली डाल देता हूं जो भी मेरा ओटीपी आया है। ओटीपी डालने के बाद यहां पर वैलिडेट बटन के पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर सिंपली मेरी पूरी डिटेल्स खुलकर सामने आ जाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहां पर देखिए अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सिंपली यहां पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहां पर अपडेट प्रोफाइल आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका डाउनलोड यूएएन कार्ड आ रहा है, तो यहां पर अपडेट
प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आप जिस भी डिटेल्स को बदलना चाहते हो, मान लीजिए बैंक की डिटेल्स को बदलना चाहते हो, तो बैंक के कॉलम पर क्लिक कीजिए और अपने बैंक की डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अगर आप अपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन बदलना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल्स बदलने के बाद सेव कर दीजिए। और अगर आप अपना एड्रेस बदलना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एड्रेस पर क्लिक किया तो देखिए मेरा एड्रेस खुलकर सामने आ चुका है। अब यहाँ पर बदलने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट के बटन पर क्लिक करना है तो आपका ऑटोमेटिक आपका जो ई श्रमिक की डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरह के ओटीपी फिंगरप्रिंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। यहाँ पर सिंपल लॉग इन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप चाहो तो मोबाइल कंप्यूटर किसी भी माध्यम से यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पर किस तरीके से ई श्रमिक कार्ड में अपडेट करना है आपको अपनी डिटेल समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।